चेतन हुई तो फिर क्या सत्संग हुई। और जब ये आत्मा चेतन हो जाए, अड़ारे उड़ती पीछे मंडीरे बजाना, भगवान भगत की परीक्षा किस तरह ले सकता है। राजा हरिश्चंद्र क्या था और हमने क्या बना दिया जी बेटा। आज भी गांव में कोई आज बोले तो कहेंगे भाई राजा हरिश्चंद्र ही उदार बोल दिए। अब राजा हरिश्चंद्र था क्या? भगवान विश्वामित्र का रूप धारण करके आए। राजा तेरा नाम सुना था कि राजा हरिश्चंद्र ऐसा है जिसने कभी सत्य को हराया है। सत्य भी राजा हरिश्चंद्र के आगे हारता।
क्योंकि तारिया प्रहलाद जी ने तात ने तमाशा देखा, तारे राजा मोर धज सुत पे चढ़ायो आरो है, तारे ध्रुव बालापन वही अटल गारो है, तारे राजा हरिश्चंद्र जो सत्य कई आरो है, भितरा को तार प्रभु बोल सो एहसान तेरो, बिना भक्ति तारो नाथ तार होती हारो। विश्वामित्र का रूप धारण करके आए भगवान और कहा, राजा ये समय आ गया है देने का, राजा तेरा सत खत्म हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र तारामती कहने गया, तारामती दुनिया से नाम खत्म हो जाएगा मेरा, कहना साधो सबदा परखिए और बिखो पड़िया घर, जब घर में कष्ट पड़ता है, जब पति में विपता आती है, तब गृह लक्ष्मी की पहचान होती है। तारामती हंसते हुए बोली, राजा ये समय आया तेरा अमर नाम करने का, अब पीछे मत हट जा, अब पीछे मत हटना। तारामती बोली, राजा हरिश्चंद्र सत्यमती छोड़ी साय महान, सत्य छोड़ा मथिर जा, सत्य बीला कमी बाबे रमिले, यश वैभव तब तेज कीर्ति जाए तो जाए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र सत रहना चाहिए। सत मत छोड़ी साए बार, सत छोड़िया पत जाए, अरे सतरी बांधोड़ी लक्ष्मी को आज हेर मिलेगा। पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन तेरा नाम वापस तू नहीं कमा सकता। और उसी समय राजा हरिश्चंद्र आप तारामती और बेटा रोहिता धारा न करी वाले चौबी आशीन करी वाले चौबी हरिचंद्र मोदी हरिचंद्र मानी परीक्षा लेता है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तो द्रौपदी की तरह कोई बुलाता भी? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तो उस मेज सबरी के जैसे कोई खिलाता भी? एक बार जयकार लगाए, बोले सबरी मैया की। आज घर में कोई मेहमान आवे, मेहमान अगर कहते कि सुबह 10 बजे आ रिया, और मेहमान ने आता आता 11 बजा, तो वो एक घंटों काट लो कितो दोरो है, इंतजार कितो भारी है। 10 बजे अगर कोई समय दे और 11-12 बजे तक आवे, तो वो 1-2 घंटा काटना कितना भारी पड़े। लेकिन उस मां सबरी ने कितने साल कितने वसंत भगवान राम के इंतजार में निकाल दिए कि एक दिन तो भगवान सबरी को भगवान राम पर भरोसा देता है, ये मान के चलना मेरे सजनों। सबरी को राम पर भरोसा नहीं था, लेकिन सबरी को अपने गुरुदेव मदन ऋषि पर भरोसा था, क्योंकि गुरु ने कहा कि सबरी एक दिन ढूंढते ढूंढते भगवान तेरे यहां पर
आएंगे। एक बार बोलिए, बोलो सत्य गुरुदेव की। बाकी महाराज से आज्ञा चाहते हुए शबरी की बात कही है तो कहते हैं कि प्रतीक्षाएं शबरी की जैसी हो तो राम मिलते हैं। घर को हम सजाते हैं, घर को हम सजाते हैं। महाराज बहुत कम समय थोड़ा जाना था इसलिए बीच में बोल रहा हूँ। एक निवेदन तो यह है कि आज बहुत बड़ा दिन है, आज माँ श्रद्धा जी का अवतरण दिवस है, तो मैं चाहूंगा हम सभी की ओर से उनको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं बधाई। एक अलौकिक शख्सियत जिनके सानिध्य की छाओं में हजारों हजारों भविष्य संवरे हैं और 2005 से लेकर के हम उनके साथ हैं, तो उनकी शख्सियत बाहर से जैसी लगती है, मदन सिंह जी बाहर से जैसी लगती है एकदम तेज तरार, लेकिन अंदर से वो मॉम है कि आंखों में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा, और कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। मैं मॉम थी, लोग पत्थर समझते रहे, मैं मॉम थी लोग पत्थर समझते रहे, मगर किसी ने मुझे छूकर नहीं देखा, मगर किसी ने मुझे छूकर। और गुरुदेव आ रहे हैं कि हम बाबा हम वसीयत कराना चाहते हैं। कोई मेहमान आए तो हम घर को बहुत सजाते हैं, लेकिन जब भगवान आ जाए तो हम क्या करना चाहेंगे कि हम वसीयत कराना चाहते हैं और बाबा हम आपके हिस्से में आना चाहते हैं, हम वसीयत कराना चाहते हैं और बाबा हम आपके हिस्से में आना चाहते हैं। आप आने की खबर तो भेजो, हम अपने घर को सजाना चाहते हैं, अपने घर को सजाना चाहते हैं। और कि सतगुरु मिलदा नसीबा वालियानु दुनिया, एक लास्ट गजल भैया, कि सतगुरु मिलदा नसीबा वालियानु दुनिया में जिसका बाजार ना होगा रिश्ता वफादार ना, सतगुरु मिलदा नसीबा वालियानु दुनिया में जिसका बाजार ना होगा रिश्ता रब दिया रहमत आला, एना वफादार कोई रिश्ता ना होगा और पागर चंगा शमशान होगा जिते सतगुरु का सत्कार ना होगा। और करनी सीख लो लोगों कदर सतगुरु दी, सतगुरु की कदर क्यों करनी है, तेनू नहीं पता तेनू कितना प्यार कर दिया, तेनू नहीं पता तेनू कितना प्यार कर दिया, तेरे पे भी मर दिया और तेरे बिन भी मर दिया। तो करनी सीख लो लोगों कदर सतगुरु दी, अरे सतगुरु के चरणा तो रब का दीदार होगा, सतगुरु के चरणा तो रब का दीदार होगा, सतगुरु के चरणा तो रब का। आपने आपने तराश कर हीरा बना दिया, आपने तराश कर हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार तो उन्हीं पत्थरों में था, वरना मेरा शुमार तो उन्हीं पत्थरों। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। और सारे ताबीज पहन कर देख लिए, सारे ताबीज पहन कर देख लिए, आराम तो बस तेरे दीदार से मिला है, आराम तो बस तेरे दीदार से। मैं तेनु फिर मिलांगी, मैं तेनु फिर मिलांगी, मैं तेनु फिर मिलांगी, तेरे बत्ते दी लकीर बनने, तेरे आंखें दे आंसू बनने, मैं तेनु फिर मिलांगी, मैं तेनु फिर मिलांगी। और तू आधा घंटा और बैठ दे फिर चले जाना। हाँ तो हाथ निकल गया तो गाड़ी पंचर है। कितना बैठा हुआ है? अलाइनमेंट तो आउट पर गाड़ी खड़ी जाए। हाँ आइएगा मेवाड़ की धनी जरा से अपने बीच में श्रीमान बाजी बंगाल जी जोशी जी अपने बीच में बुला रहे हैं, तो मैं संत श्री धनराज जी जोशी जी से निवेदन करूंगा। आइएगा धनराज जी जोशी जी अपने बीच में भजन प्रस्तुत करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बजाओ तालियां। कोई उठेगा नहीं, सब बैठ जाओ।